नमस्कार, मैं हूं सुदब खान। आप देख रहे हैं News 21 TV। आइए देखते हैं ये खास खबर। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव कृष्ण ढुल ने जिला पलवल व जिला फरीदाबाद के दौरे पर हसनपुर के आर्य कन्या गुरुकुल में जाकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया व 51,000 की राशि अपने निजी कोष से कन्याओं की शिक्षा के लिए दी और साथ ही सिलाई सेंटर और कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी सराहा और कहा कि आज के युग में अमन शास्त्री ने गुरुकुल में छात्राओं को भारतीय वैदिक संस्कृति से जोड़े रखा है। वहीं जिला फरीदाबाद के गांव अटाली में जाकर शहीद संदीप के बच्चों और शोकाकुल परिवार से मिले और सांत्वना दी और 2.5 लाख रुपए का चेक शहीद की वीरांगना पत्नी को अपने हाथों से सौंपा और यह घोषणा की कि 18 वर्ष तक हरियाणा बाल राज्य कल्याण परिषद की तरफ से शहीद के बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च बाल कल्याण परिषद करेगा। इस मौके पर जिला बाल कल्याण अधिकारी कमलेश शास्त्री, जिला बाल कल्याण अधिकारी पलवल सुरेखा रानी, जिला बाल कल्याण अधिकारी फरीदाबाद सुरेंद्र लाल, गाँव के सरपंच आदि लोग मौजूद रहे। भारत माता की गुरुकुल और बच्चों के लिए 4 लाइनें पढ़ूंगा कि जीवन में असली उड़ान भी बाकी है, मेरे हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो 4 लाइनें समर्पित हैं। डोल साहब, आज आप फरीदाबाद में पलवल जिले के दौरे पर रहे तो कुछ आपने घोषणाएं की, इस बारे में आप विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो आज मेरा यहाँ अटाली गांव में आने का था, जिसमें हमारे देश की रक्षा करते हुए जो लड़का शहीद हुआ संदीप सिंह, उसके परिवार के बीच में आना था और वहाँ इनके परिवार को हमारी संस्था की तरफ से 2.5 लाख रुपए की सहायता, वित्तीय सहायता दी गई है। और इसके अतिरिक्त जब तक उनके बच्चे 18 वर्ष तक की आयु के नहीं होंगे, उनके शिक्षा का सारा खर्च जो है वो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद उठाएगी। इस प्रकार का एक हमारे इस संस्था का सोचने का रहा, जिसमें हमने पहले रेवाड़ी के जो शहीद रहे उनका भी और इनके यहाँ भी आज आना हुआ। सर, एक चीज जरूर पूछना चाहेंगे कि घोषणाएं कर जाते हैं अक्सर लोग आकर के, मंत्री विधायक, बाद में विधवाओं को, सही विधवाओं को भटकना पड़ता, उनके बच्चों को भटकना पड़ता फीस के लिए भी, तो क्या कुछ खास बाल कल्याण विभाग की तरफ से क्या कुछ क्लियर है इसमें? देखिए, मैंने कहा कि ये हो सकता है मेरी घोषणा है, सरकार की घोषणा है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर उपस्थित उनके पिता को और उस लड़की गीता को कि बेटा मैं हो सकता है कल इस चेयर पद पर रहूं ना रहूं, आज जो मेरे साथ जिला बाल कल्याण अधिकारी सुंदरलाल जी है वो इस पद पर रहे ना रहे, पर जिला बाल कल्याण अधिकारी फरीदाबाद का पद वो हमेशा ही रहेगा और कम से कम उस पद पर कोई व्यक्ति काम करता रहेगा। तो इस प्रकार की गाइडलाइन तय कर दी जाएंगी ताकि इनके बच्चों को आगे किसी भी प्रकार की रिम्बर्समेंट में दिक्कत ना आए। साथ ही सर, आपने हसनपुर गुरुकुल में भी कुछ घोषणाएं की हैं बच्चों से संबंधित, इस बारे में आप बताएं क्या? पलवल में दो कार्यक्रम रखे थे, जिसमें के हसनपुर में जो कन्या गुरुकुल है वहां पर हम लोगों ने कौशल विकास केंद्र के अधीन चलने वाले सिलाई सेंटर का और कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें न सिर्फ उस कन्या गुरुकुल में पढ़ने वाली बच्चियां उस शिक्षा को ग्रहण कर सकती हैं और स्वावलंबी बन सकती हैं, अपितु हसनगढ़ गांव के और उसके आसपास के रहने वाले जितने भी गांव हैं वहां पर कौशल विकास केंद्र के अधीन चलने वाली उस क्रियाओं का लाभ ले सकते हैं, उन स्कीमों का लाभ आसपास की बच्चियां और आसपास की कामकाजी महिलाएं भी ले सकती हैं। उसके अतिरिक्त जब वहाँ मैंने देखा कि हसनपुर गुरुकुल की हालत जो थोड़ी सी नाजुक है, तो मैंने अपने नेक कमाई में से वहाँ 51,000 रुपये की राशि की भी घोषणा की और उनको ये भी आश्वासन दिया है कि किसी भी रूप में और भी अगर किसी समाजसेवी संस्थाओं से गुरुकुल को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम वो पूरा करवाएंगे। उसके अतिरिक्त वहाँ उन्होंने जो एक और छोटी मोटी डिमांड रखी थी जो राज्य बाल कल्याण परिषद के निमित्त आती थी, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे को एक संगीत के अध्यापक की आवश्यकता है ताकि बच्चियाँ जो है वो संगीत कला में निपुण हो सकें,
और स्वावलंबी बनने के लिए सेल्फ डिफेंस के कुछ कोचिंग क्लास की उनको आवश्यकता थी, तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था कर दी गई है। एक और चीज़ जो उन्होंने मांगी थी वो शूटिंग रेंज के लिए कहा था, तो मैंने उनको ये कहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा करके खेल विभाग के तालमेल के साथ उनको शूटिंग रेंज भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और एक और अच्छी चीज़ रही कि हसनपुर गांव ने मिनी बाल भवन खोलने के लिए प्रस्ताव दे दिया है वहां की पंचायत ने, हम बहुत जल्दी ही हसनपुर में मिनी बाल भवन बनवाने जा रहे हैं। सर अभी हाल ही में अटाली में आपने विधवा को 2.5 लाख का चेक दिया, भविष्य में भी अगर कोई शहीद होता है तो उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी बाल भवन उठाएगा भविष्य में, या सिर्फ इन्हीं के लिए किया गया है? नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि पहले भी जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो भी राज्य बाल कल्याण परिषद ने कारगिल के युद्ध के जो शहीद थे उनके बच्चों के लिए भी वो स्कीम चलाई थी। वो स्कीम सिर्फ कारगिल के लिए थी, इसलिए अब इसमें यह अमेंड किया गया है हमने कि वो कारगिल और जो आज पुलवामा में हुआ है, जो भी आतंकवाद की घटना में जो हमारे हरियाणा का बच्चा शहीद होगा उसके लिए हम लोग 2.5 लाख रुपए की राशि और उसके बच्चों के लिए 18 वर्ष तक जब तक नहीं हो जाते तब तक उसकी शिक्षा का खर्च जो है वो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद उठाएगा। आज मैं जिला बाल कल्याण परिषद पलवल की तरफ से माननीय मानद महासचिव श्री कृष्ण धूल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो पलवल में आए और उन्होंने अपने मार्गदर्शन में हमें जो हसनपुर कन्या गुरुकुल में कौशल विकास केंद्र, सिलाई सेंटर व कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की जो कि लड़कियों के लिए और बच्चों के लिए कल्याणकारी घोषणाएं थी, जिनमें सर ने अपने पर्सनल इनकम से 51,000 रुपये व बच्चों के लिए शूटिंग रेंज का वादा किया और संगीत के लिए उन्होंने कौशल विकास केंद्र खोलने की योजना का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे कमलेश शास्त्री जी का जो कि नोडल ऑफिसर हैं यहाँ पर, उनके प्रतिनिधित्व में और उन्होंने बहुत सहायता करते हुए यहाँ पर हमारे एक प्लेटिनियम मेंबर को भी बताया है। साथ ही गांव मरोली की तरफ से उन्होंने मिनी बाल भवन के लिए हमें जमीन उपलब्ध कराई है जो कि हमारे लिए भविष्य के लिए काफी लाभकारी